हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में करीब करीब 10 दिन बचे हैं अब, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम। और इस पॉइंट पे आके जो सबसे बड़ा इशू है वो है एनजाइटी। बहुत लोग परेशान हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इट ऑल, कि भैया एग्ज़ाम है सिर पर, नहीं समझ आ रहा, बहुत सारा कुछ छूट गया, जैसे प्लान करा था प्लान फॉलो नहीं हो पाया। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, टेक इट स्लो, रिलैक्स। बहुत कुछ अभी नहीं बिगड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी हाथ में हैं, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत सुकून से, आराम से मेरी बातों को समझना और उसके बाद अपना कॉल लेना। सबसे पहले अपना पूरा दिन जैसा भी आप प्लान करोगे उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। एंड लेकिन एक पॉइंट आप समझो, ये 3 क्लासेस 3 घंटे अपने दिन के बिल्कुल फिक्स कर दो, लॉक कर दो। बाकी 21 घंटे आपके अपने हैं, अपने हिसाब से निकालो। ये 3 क्लासेस आपको लेनी ही लेनी है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, तीनों क्लासेस 100% फ्री हैं। जीके को लेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस एनालिसिस करने के बाद, मैं आपको खुद कराने वाला हूँ यहाँ पे। TCS के जुड़े जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जीके के, वो मैं आपको यहाँ कवर कराता हूँ। 10 से 11 बजे आपको एक क्लास अटेंड करनी है। 12 से लेकर 1 बजे तक दीप्ति मैम आपको इंग्लिश की क्लास देती हैं, ये भी 100% फ्री है। और एक जीके के जो MCQs है, पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस है, जो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड है, वो मैं आपको कराता हूँ 7 से 8 बजे। तीनों क्लासेस आपको रोज़ लगानी है। बचे हुए टाइम में कैसे लगानी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको प्रतियोगिता मंत्र सर्च करना है अकेडमी पर, वहाँ सर्च जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस में स्पेशल क्लासेस दिखेंगी, यहाँ पे आपको सी ऑल पे दबाना है, फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिल्टर में अपकमिंग पे लगाना है तो आपको फ्यूचर क्लासेस दिख जाएंगी। मान लेते हैं हम किसी भी क्लास पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको नोटिफाई मी पे दबाना है। जैसे ही आप नोटिफाई मी दबाएंगे आप इस क्लास में एनरोल कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई पिछली क्लास देखना चाहते हैं जो आपकी छूट गई है, बस इस अपकमिंग की जगह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंप्लीटेड पे लगा देना, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सभी क्लासेस में एनरोल करके नोटिफाई मी करके छोड़ दो, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। मैं आप सबको सजेशन दूंगा, अपने फोन में 3 अलार्म लगा लो बचे हुए 10 दिन के लिए। एक लगा लो सुबह 9:55 का, एक लगा लो 11:55 का और एक लगा लो 6:55 का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट मिस हो जाते हैं तो वो फ्लो नहीं बनता जिस हिसाब से आपके लिए सेशन डिज़ाइन करा होता है। 3 अलार्म लगा लो अपना, आपको पता है कि 5 मिनट का अब मेरे पास टाइम है, मैं क्लास में जाके अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको बाकी सब चीज़ें कैसे पढ़नी है। देखो, इस पॉइंट पर आके मैथ्स को लेकर ये मत समझना कि कोई नया चैप्टर मैं उठा लूँ, कोई नई चीज़ कर लूँ। जो अब तक पढ़ा है, सबसे पहले तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं या फिर आपकी ट्रिक्स हैं, ये दोनों चीजें आपकी उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं बनाई है अब तक एक कॉपी तो बना लो, 10-20 रुपए की कोई कॉपी ले लो या फिर कोई पुरानी कॉपी पड़ी हो उसी में बना लो, जिसमें आपको पता है कि एग्जाम की जब सुबह होगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे की वीक हैं, चाहे एलजेब्रा की ट्रिक्स हैं, चाहे ट्रिगो की ट्रिक्स हैं, चाहे मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो सब आपको उस कॉपी से रिवाइज करने को मिल जाएगा। ये चीजें एंड में बहुत ज्यादा काम आएंगी, इन सभी बातों पर आपको फोकस करना है। और मेक श्योर हर एक टॉपिक के बहुत बहुत सवाल नहीं करने, थोड़ा सा कोशिश आपको ये करनी है टाइप वाइज अपनी तैयारी करनी है, जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, थोड़े बहुत सवाल करें आगे बढ़ना है। मेंसुरेशन में एक चीज़ का ध्यान देना, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से करके जाना, कुछ ही टाइप्स बनते हैं सवालों के, वो सब टाइप आप आराम से कर लोगे अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो। इंग्लिश को लेके जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पॉइंट पे आ गए, अगर आपने ये वाली किताब अभी नहीं करी है और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो दीप्ति मैम की क्लासेस कर लो, 100% फ्री क्लासेस है। उसमें आपका इंग्लिश का इजीली आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी वगैरह है वो भी सब आपको वहीं पर वो कवर करानी है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप बुक से पढ़ना चाहो तो आप ये किताब ले सकते हो, क्योंकि इस समय कोई मोटी किताब खरीदोगे कोई सेंस नहीं बनता, वो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर आप CGL 2020 को भी टारगेट कर रहे हो या मेंस तक सोच रहे हो, गो फॉर इट, उस केस में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जो किताब लेनी है ले लो। लेकिन CGL 18-19 के प्री की बात करूं, दीप्ति मैम की क्लासेस कर लेना, दैट शुड बी ऑल। अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक्स वो होंगे जो आपको नहीं आते, जो आपसे हर बार नहीं बनते, चाहे वो सीरीज होंगे, हो सकता है काउंटिंग द नंबर ऑफ फिगर्स वाले सवाल होंगे, या फिर हो सकता है वेन डायग्राम आपसे नहीं बनता होगा। तो इस पॉइंट पर आके सिर्फ उन टॉपिक्स को करना है एंड सेट वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश ये करना है कि रीजनिंग के जो 25 सवाल हैं 10 से 12 मिनट के अंदर आपके निपट जाने चाहिए, मैक्सिमम ये 15 मिनट तक जाने चाहिए। यहाँ पर अगर आपने 20 मिनट लगा देंगे तो मैथ्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके
बाद आपसे मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जनरल अवेयरनेस लूसेंट से या भारद्वाज से किसी भी किताब से, एक बार उसे रिवाइज कर लेना। अगर इस पॉइंट पे पैनिक हो रहे हो, मैथ्स भी तैयार नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी बची हुई हैं, आपको दो क्लासेस मैंने बताई हैं, एक 7 बजे वाली, एक 10 बजे वाली, आप ये क्लासेस कर लेना। इसके अलावा अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री में मिडीवल अच्छे से पढ़ के जाना, मिडीवल से बहुत सवाल बने थे पिछले साल। इसी टाइप से पॉलिटी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आपको स्केड्यूल्स पढ़ के जाने हैं, पार्ट्स पढ़ के जाने हैं, और ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सारे आर्टिकल्स पढ़ने ना पॉसिबल है ना ही याद हो पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ के जाने हैं। फिजिक्स के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे जैसे कि ऑप्टिक्स है, आई डिफेक्ट्स है, ग्रेविटेशन है, जो मेन मेन टॉपिक्स है वो पढ़ के जाना। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, अगर आप कहो कि सर एक ही टॉपिक पढ़ के मुझे जाना है, तो भैया सबसे पहले एसिड वाला टॉपिक पढ़ के जाना, कौन से चीज़ में कौन सा एसिड मिलता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव एसएससी पे भी इसके काफ़ी सारे सेशंस दे रखे हैं। अगर मैं आपसे बायो की बात करता हूँ, सबसे पहले आपको जितने सिस्टम्स हैं वो पढ़ने हैं बॉडी के, एंड उसके बाद आपको हॉर्मोन्स पढ़ने हैं। अगर बचे हुए टाइम की बात करूँ, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। देखो सारे सारे टॉपिक्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वही बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बस आप ये क्लासेस कर लेना, दैट शुड बी ऑल फॉर जनरल अवेयरनेस। एक और चीज़ आप ध्यान में रखना जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो क्या गलती होती है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ऑर्डर ही फाइनल नहीं होता कि हमारे पास जो वो टाइम बचा है, टाइम हमें मिला है, उसे हमें किस तरीके यूटिलाइज़ करना है। काफ़ी लोग मैथ्स पहले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोग इंग्लिश पहले करते हैं, कुछ भी करो पहले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पहले करनी है। एक ही अटेम्प्ट आपको मिलना है एग्ज़ाम में, अगर 5 से 10 मिनट भी ख़राब हो गए सारा गेम बिगड़ जाएगा। अपना जो भी सीक्वेंस है उसे फाइनलाइज़ कर लो। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, गो फॉर जनरल अवेयरनेस फर्स्ट, फॉलोड बाय इंग्लिश, फॉलोड बाय रीजनिंग, फॉलोड बाय मैथ्स। इस सीक्वेंस में फ़ायदा ये होता है करीब 15 से 18 मिनट में आपके ये दोनों सेक्शन निपट जाते हैं, और जो बचे हुए 15 मिनट है आप इसके अंदर दे सकते हो, और आपके पास मैथ्स के लिए करीब 25 मिनट होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आप बाद में भी अटेम्प्ट करेंगे अगर आपके छूटते हैं। तो बाकी टोटली आपका कॉल होना चाहिए, जिस तरीके आप अभी तक करते आए हो एग्जैक्टली उसी तरीके जाना। इस पॉइंट पर आके अपना जो पैटर्न है, अपना जो सीक्वेंस है, उसे नहीं चेंज करोगे वही बेस्ट रहेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये 3 घंटे आपको लॉक कर देने हैं अपने, सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। एनरोल आपको पता है कैसे करना है, प्रतियोगिता मंत्रा पे जाके स्पेशल क्लासेस में अपकमिंग पे आपको यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको बस नोटिफाई मी पे दबाना है। अगर आप मेंस को भी साथ साथ टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप पूरे के पूरे स्टैटिक के सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं, इसके अलावा सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आपको एक सिंगल प्लान में मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। आपको एक सिंगल प्लान लेना है जिसमें प्री के साथ साथ मेंस के साथ साथ सीजीएल 2020 भी आप इसी प्लान के अंदर इजीली कवर कर लोगे। इसमें अभिनय सर, पवन राव सर, मोहित सर, वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा, रानी मैम, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज एक सिंगल प्लान में आपको इस रेट में पड़ जाएंगे अगर आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे प्रतियोगिता मंत्रा। बस आपको इसे बिना स्पेस के लगाना है। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको जाके एसएससी चूज करना है, अपना प्लान लेना है एंड डिस्काउंट कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। बिना स्पेस के आप जैसे ही लगाओगे आपको इस रेट में अपने प्लान पड़ जाएंगे। हर एक कैटेगरी में मान्य है, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, अनअकैडमी प्लस पे, हर एक कैटेगरी में यही डिस्काउंट कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। विदाउट स्पेस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।